आज तक हजारों रुपए आपने दर्द निवारक तेल पर खर्च कर दिए होंगे। तो हमारी बॉडी में कहीं भी पेन हो, शोल्डर में पेन हो, जॉइंट पेन हो, या फिर घुटनों में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, कहीं भी बॉडी पेन हो, तो हम यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट का या फिर कोई पेन रिलीफ ऑयल मार्केट से खरीद कर लाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है और उसको हम यूज़ करते हैं। तो कभी कभी तो वो थोड़ा बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट से तेल हम लेकर आते हैं पर बिल्कुल भी असर नहीं करता और पैसे भी पूरे के पूरे ज़ाया चले जाते हैं। तो आपको घर में बनाना सिखाने वाली हूँ आज मैं एक ऐसा तेल जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इनफैक्ट इससे आपकी जो दर्द की समस्या है ना, उसकी बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी। और आप इसको घर में बना लीजिए, घर के ही सामान से बनेगा, किचन के इंग्रेडिएंट से बनेगा, खाने वाली चीज़ों से बनेगा, तो ये नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग लगा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये आपकी जो मांसपेशियां हैं ना, जॉइंट्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा और जो दर्द होगा ना, सूजन होगा, उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। इसको बच्चों की मालिश के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जाड़ों में अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता है, कहीं भी दर्द रहता है ना, तो इसको आराम से मालिश के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसको पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं, अच्छे से आप मालिश कर सकते हैं धूप में बैठकर, और आप इसको पर्टिकुलर एक प्लेस पर भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके पैरों में दर्द है तो वहाँ आपने लगा लिया, कंधों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, वहाँ आपने लगा लिया। जहाँ भी आपको दर्द की प्रॉब्लम हो, वहाँ पर आप इस तेल को बढ़िया सी मालिश कर लीजिए, आपका दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो चलिए इस तेल को बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन या कोई भी बर्तन लेकर इसमें डालिए सरसों का तेल। शुद्ध सरसों का तेल लेना है, आधा कप के करीब आपको सरसों का तेल लेना है। जितनी क्वांटिटी में भी आप तेल को बनाकर रखना चाहें, अगर लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें, वरना कम भी ले सकते हैं। तो मैंने लगभग यहाँ पर आधा कप के करीब यहाँ पर तेल ले लिया सरसों का। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें और ऐड करनी होगी जो कि इस पेन रिलीफ ऑयल को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देगी। तो सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट है यहाँ पर गार्लिक, जिसको कि लहसुन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है इसमें। और इससे जो हमारा दर्द की प्रॉब्लम है, कहीं पर भी आपको पेन की जो प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल खींच लेगा जो लहसुन होता है। अब दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मेथी दाना। मेथी दाना वही है जो कि हम अचार वगैरह में यूज़ करते हैं, या फिर कद्दू की सब्जी जब बनाते हैं तो उसका छौंक लगाते हैं। साथ ही यहाँ पर 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन भी दर्द को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसी भी सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, उसको दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये तीनों चीज़ें हमने तेल में डाल दी। आपने देखा यहाँ पर जो फ्लेम है बिल्कुल धीमी है, एकदम लो फ्लेम पर हम इस तेल को पकाएंगे। अच्छे से इस तेल को आप लगभग 7 से 8 मिनट तक या फिर 10 से 12 मिनट तक, जब तक ये तेल अच्छे से पक नहीं जाता। और इसकी पकने की पहचान ये है कि जो लहसुन है ना, अपने आप ही धीमी आंच पर पकते पकते बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी। उसके बाद में गैस को आप बंद कर दीजिएगा, तेल को ठंडा होने दीजिएगा कम्प्लीटली, और उसके बाद में छान कर भरकर आप रख सकते हैं। और इसके बाद में तेल को लगाना कैसे है, कब कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो देखिए बिल्कुल धीमी आंच पर इसी तरह से पकाइए ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं, सभी का एक्सट्रैक्ट अच्छे से ऑयल में निकलकर आ जाए। बीच बीच में मिक्स करते जाइएगा। देखिए अच्छे से ये पकते पकते आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो चुका है, और जो लहसुन हमने ऐड की थी वो सारी की सारी गोल्डन हो गई। साथ ही जो अजवाइन है उसका भी कलर चेंज हो गया, और मेथी का भी कलर चेंज हो गया। अब इस तेल को देखिए, अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा कर लीजिएगा, और उसके बाद में महीन कपड़े से या फिर छलनी से छान लीजिएगा। तो इस तेल को ना बच्चे भी लगा सकते हैं। जैसे जाड़ों के सीज़न में छोटे बच्चे हैं तो उनको आप मालिश उनकी कर सकते हैं, तो उनको जो सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। बच्चों के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ मैं शेयर करती रहती हूँ छोटे बच्चों के लिए, सर्दी जुकाम से होम रिलेटेड भी होती हैं, या फिर मालिश का तेल है वो भी मैंने बनाना बताया है। तो वो सारी रेसिपीज, सारे वीडियोज़ भी आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए तेल ठंडा हो गया था, मैंने इसको अच्छे से छान लिया, और जो तेल हमने छाना है उसको आप किसी भी कांच की या प्लास्टिक की बोतल में भरकर रख दीजिए। जब भी आप तेल लें उसको हल्का गुनगुना कर लें और उसके बाद अप्लाई करें। अगर गर्मियों का सीज़न है तो आपको इसको गर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसको हल्का सा गुनगुना कर लेंगे, जैसे अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तेल और मौसम भी ठंडा है, बरसात का मौसम है, तो हल्का सा गुनगुना करने के बाद में आप इसको घुटनों पर अच्छे से मालिश कीजिएगा इसकी धीरे धीरे, या फिर जॉइंट पेन है अगर आपको, कहीं भी दर्द है तो जहां पर भी आपको लगाना है वहां पर इस तेल को लेकर बढ़िया सी आप मालिश कीजिए। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आएगा और धीरे धीरे आपका जो दर्द है बिल्कुल चला जाएगा।
लगभग 7 दिनों के अंतर आपको बहुत ज़्यादा दर्द में अंतर लगेगा और मैं कह सकती हूँ आपको लगभग 70 से 80% आपको दर्द में रिलीफ महसूस होगा, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है अगर आपको 80% भी रिजल्ट मिल जाता है तो। यहाँ पर तेल को देखिए हमने शीशी में भरकर रख दिया है, बस इसको इसी तरह से आप रख सकते हैं, बंद करके रखिए। इसको आप बाहर कहीं भी रख सकते हैं और जब भी आपको तेल की ज़रूरत हो आप इसमें से ही चम्मच से बाहर निकालिए किसी भी छोटी सी कटोरी में और आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, दर्द के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जब भी आपकी बॉडी में कहीं भी, जैसे नहीं कभी कभी क्या होता है कि जब भी बुखार आके चुकता है उसके बाद में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, तो उसके बाद भी आप इस तेल को अच्छे से मालिश कर सकते हैं पूरी बॉडी पे और मालिश करने के 1 घंटे बाद आप नहा सकते हैं। सर्दियों के लिए तो वैसे ये तेल बहुत ही बढ़िया है और मालिश के लिए, साथ ही हर मौसम में, गर्मियों के सीज़न में या फिर बरसात के मौसम में दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए साथ ही साथ मैं आपको एक नुस्खा भी बता देती हूँ कोल्ड एंड कफ के लिए। इस तेल को आपको लेना है लगभग यहाँ पर आधी चम्मच के करीब, मैंने सरसों का तेल लिया है, लहसुन वाला सरसों का तेल ले लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, खाने वाला नमक डाल दिया, आप चाहें तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। दोनों को अच्छे से हमें बढ़िया से मिक्स करना है और इस तेल को हल्का गर्म करके आपको पूरी अपनी छाती पर लगाना है। जिन लोगों के कफ जमा हो जाता है छाती में तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ये नुस्खा है। इस तरह से अगर आप छाती पर अच्छे से इसकी मालिश कर लेंगे सोते वक्त और इस तेल को लगा कर ना आपको टोटके को अप्लाई करके अच्छे से ओढ़कर सो जाना है, तो रात को लगाएंगे तो बहुत अच्छा और उसके बाद आप देखिएगा आपका जो बलगम है ना धीरे धीरे पिघल कर बाहर आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है ये तेल। तो इस तरह से बहुत तरह से आप इस तेल को यूज़ कर सकते हैं, पेन रिलीफ ऑयल भी बोल सकते हैं आप इसको, कोल्ड एंड कफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मसाज के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तेल को अपने घर में ज़रूर बनाकर रखें और यूज़ करके मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।